अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोग सब कह रहे से होंगे और हमें यकीन है कि आप हमारे वीडियोस भी देख रहे होंगे और हमें दुआओं में भी याद रख रहे होंगे। जैसे कि आप काफ़ी लोग हमारे वीडियोस को इतना सपोर्ट करते हैं, अब हम लोग आज जाएंगे, आज हम लोग मोजैक इटरी के नाम से एक ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है जो कि बास्टी में लोकेटेड है। इनकी लोकेशन हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से नेविगेट कर सकें। इनके सैंडविचेज़ हैं, इनके पास बर्गर्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। चलिए पहले राफी को पिक करते हैं, वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे बास्टी और वहाँ जाके सैंडविचेज और बर्गर्स ट्राई करेंगे। फिलहाल हम लोग हमारे रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं, शादाब को आपके बाहर, चलिए सीधा वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके उनके सैंडविचेस बर्गर ट्राई करते हैं। तो ये देखिए, अब हमारी ये मेडिकल कॉलेज आ चुकी है। मेडिकल से हम लोग राइट की तरफ जाएंगे, राइट टर्न करेंगे, यहाँ से इराफी का घर आता है। ये मेडिकल कॉलेज रोड है और यहाँ से हम जाएंगे शास्त्रनगर। शास्त्रनगर से बहुत पास में है, आपने देखा होगा वो जो अपने न्यू पावर हाउस रोड पर जाते हैं, वहाँ पर वॉक्सवैगन का भी शोरूम है, जहाँ पे भी जोन व्यापार का बनाया था, उसके सामने गली जाती है, तो उसके आसपास ही वहाँ है। लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से नेविगेट कर सकें। चलिए राफे को लेते हैं उसके बाद फिर। तो ये राफे का घर आने वाला है, ये देखिए आप, ये राफे का घर आ गया है। अब राफे को लेंगे यहाँ से और चलेंगे अपन सीधा मोजैक इटरी। तो ये राफे सेट आ गए वहाँ से। तो हम लोग अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। चलें भाई आज फिर। हाँ बिल्कुल, क्या बात है, रोज जाना हो रहा है माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह रोज जाना हो रहा है, अभी काफी सारी वीडियोस बनानी है। हाँ यार, रोज आने वाले ना, इसलिए एक मिनट रहे रोज। ये सर्कल पे हम लोग, सर्कल से हम लोग जाएंगे आई टी आई चौराया, वहाँ से फिर लोग वापस लेफ्ट टर्न करेंगे न्यू पावर हाउस के लिए। बस उसी रोड पे हम लोग फिर राइट टर्न करेंगे। लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से उनको नेविगेट कर सकें। मोजैक इटरी का फेमस पिज्जाज है, सॉरी बर्गर्स तो काफी फेमस है, बर्गर सैंडविचेस पिज्जाज भी इनके फेमस है। और देखिए वहाँ पूरा मेन्यू जाके देखेंगे क्या क्या उनके पास है, क्योंकि मैं कभी गया नहीं वहाँ, फर्स्ट टाइम ही जाऊँगा और आप लोगों के लिए वीडियो भी एक बना देंगे हम लोग। तो बस यहाँ से हम लोग लेंगे लेफ्ट, सॉरी हाँ लेफ्ट लेफ्ट राइट नहीं लेफ्ट, ये मैंगो होटल के एकदम वाली गली, मैंगो होटल देखिए यहाँ पे आईटीआई पे, और यहाँ से हम लोग जाएंगे लेफ्ट। लेफ्ट ले लिया, गली पता रहा कौन सी है? आपने वीडियो देखा होगा हमारा जोन बाय पार्क का, ब्रेकफास्ट का, ब्रेकफास्ट भी उनके पास, लंच भी और डिनर भी। जोन बाय पार्क आ गया, उसके सामने लिख लिया इधर ना। चलो चलते और चल के वीडियो शूट करेंगे। यहाँ दो तीन है ना, ये एक ही सिर्फ एक ही है, बाकी कैफे हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ये कौन सा कैफे यार? रूफटॉप है इसका नाम। कौन है इसका? ला टेरेज़ा और फाइनल ऑप्शन। फाइनल ऑप्शन, अच्छा। ये यहाँ पे काफी सारे हैं, दो तीन, बस हम लोग जाएंगे मोजैक पे। चलो आने वाला है, बस आ गया, यही है ना? हाँ ये मोजैक इटरी। गाड़ी यही लगा दे मैं, ये मोजैक इटरी भाई, ये देखिए आप मोजैक इटरी। चले चले राफी साहब, चेक कर। तो बस हम लोग मोजैक इटरी आ चुके हैं, इनकी लोकेशन हम लोग डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। बस यहाँ पे हम लोग बर्गर्स ट्राई करेंगे, सैंडविचेस ट्राई करेंगे और पिज्जा भी ट्राई करेंगे। चलिए सीधा चलते हैं, काफी अच्छा बनाया है, बाहर से काफी अट्रैक्टिव लगता है। आप आते हैं, अभी तक भी चेक होता है, ये बहुत अच्छी बात है यार, सही है, परफेक्ट एकदम। तो बस हम लोग मोजैक इटरी के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे इनके पास में दो सेक्शंस है, एक तो यहाँ पे इंडोर है और एक आउटडोर है। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इंडोर बैठेंगे, फिर भी आपको बाहर का सेक्शन भी दिखा देंगे ताकि आप जब आए तो आप डिसाइड करेंगे आपको कहाँ बैठना है। अंदर आगे तो काफी जबरदस्त लगता है, इन्होंने वॉल में भी काफी सारी चीजें लगाई हैं, कोर्ट्स भी लगे हुए हैं, इससे क्या है कि आप जिस एरिया में बैठते हैं आपको लाइवली महसूस होता है। और सबसे बड़ी बात, आपको इन्होंने जो कलर कॉम्बिनेशन जो यूज किया है वो भी काफी जबरदस्त है। ये सेक्शन आपने पूरा देख लिया होगा, और ये अभी ये कौन चल रहा है, वुड का जो जैसे जो टेक्सचर उन्होंने दिया हुआ, ये भी काफी टेंशन में। चलो चलते हैं, मैं चलते हैं, उसके बाद पूरा मेन्यू आपको दिखाएंगे और फिर हम लोग ऑर्डर करेंगे। वैसे यहाँ के बर्गर सैंडविचेज
और पिज्जा का भी फेमस है, फिर भी हम लोग देखेंगे और क्या क्या ऑर्डर करेंगे, बिकॉज रात को हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें खाते हैं माशाल्लाह। चलिए बात कर दिखाते हैं, उसके बाद फिर अंदर आके बैठेंगे। अरे यार चलो बार का सेक्शन भी आपको दिखा देते हैं, ये इनका बार का सेक्शन है और बार भी इन्होंने एक मतलब दोनों का जो अगर आप एंगल्स की बात करेंगे तो एकदम टोटली डिफरेंट है। यहाँ की जो ने जो सीटिंग दी वो भी थोड़ी एकदम डिफरेंट करेंगे, अंदर थोड़ा बहुत आपको फाइन डाइनिंग का जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको ऐसा लगता है, लेकिन अब बार आपको एकदम कैजुअल सीटिंग आप आराम से कैसे बैठ के खाना खा सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पे दो टाइप की सीटिंग इन्हें मिल रही है, एक तो बाहर और एक अंदर। चलिए अंदर चलते हैं, वहाँ चल के हम लोग बैठेंगे, उसके बाद फिर पूरा मेन्यू देखेंगे और इंशाल्लाह हम लोग क्या ट्राई करेंगे, बर्गर्स बर्गर्स और सैंडविचेस ना। चलिए पूरा आपको सीटिंग का इधर दिखा दें हमने, अब हम लोग अंदर जाएंगे और अंदर बैठेंगे। तो बस मेन्यू हमारे सामने, हम लोगों ने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया है, हम लोग फिर भी आपको पूरा मेन्यू दिखाएंगे। इनकी सारी चीजें जबरदस्त है, जैसे यहाँ के जो ओनर उन्होंने हमको बताया कि प्लेटर्स भी काफी ह्यूज प्लेटर्स है, लेकिन हम लोग सिर्फ दो लोग हैं तो क्या क्या खाएंगे। फिलहाल हम लोगों ने जैसे हमने आपको बताया भी था, हम लोगों ने बर्गर लिया। बर्गर में हम लोगों ने चिकन सुप्रीम ऑर्डर किया, एक इनका एक हमने चिकन कैंडी का ऑर्डर किया जो चेस पीसेज में ये लोग सर्व करते हैं, और एक हमने पिज्ज़ा ऑर्डर किया, हमने जेस्टी पिज्ज़ा ऑर्डर किया है जो कि पेरी पेरी का फ्लेवर आएगा, थोड़ा स्पाइसी रहेगा। ये तीन चीज़ें हमने ऑर्डर की। अब फिलहाल आपको पूरा मेन्यू दिखाते हैं ताकि आप आएँ तो आपको पता रहे कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, और काफ़ी ज़बरदस्त हमने मेन्यू देखा है, काफ़ी डिफरेंट मेन्यू है और खाना ज़बरदस्त होने वाला है, बिकॉज काफ़ी लोगों ने हमें कहा है कि आप यहाँ पर बहुत देर के बाद में आए, पहले आना चाहिए आपको। तो चलिए पूरा मेन्यू दिखाते हैं उसके बाद फिर। तो ये पूरा मेन्यू इनका हमारे सामने, देखिए सिंपल सा मेन्यू है। और तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं, अरे यार सूप भी तो लेना, सूप भी लेंगे, ऑर्डर करेंगे सूप। तो सैलड्स इनके पास आपको जब स्टार्ट करेंगे, सैलड्स है, सूप्स है, एपेटाइजर्स है, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा में मैंने हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ये रहा हमारा पिज़्ज़ा, हमारा पिज़्ज़ा कहाँ है, ये जैसी पिज़्ज़ा, और एक हमने ऑर्डर किया है चिकन कैंटकी, ये रहा जो कि ग्लोबल इनका जो सेक्शन है मेन कोर्स का उसमें है। और सिज़लर्स भी इनके पास काफ़ी सारे हैं। बर्गर्स में हमने ऑर्डर किया है, कहाँ है बर्गर्स में, ये हमारा सुप्रीम बर्गर्स चिकन सुप्रीम बर्गर, ये रहा। चाइनीज़ में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। थाई भी इनके पास यार, पास्ताज हैं, मैगी भी मिल जाएगी, मैगी सब जगह होगी, रोली रैलीज है, सैंडविचेस हैं, साइड्स डेजर्ट्स एंड आइसक्रीम्स। ये आपको पूरा मैंने मेन्यू दिखा दिया। अब आपको हम लोग इनके एक मेन्यू और है, इनके पास तीन मेन्यू है, कॉफ़ी का मेन्यू इनके पास, वो भी आपको पूरा दिखा देते हैं। कॉफ़ी भी आपको काफ़ी सारी मिल जाएगी फ्लेवर्स की। हम लोगों ने लास्ट कहाँ कॉफ़ी अपन किसका वीडियो बनाया था, बुक कैफे का ना, हाँ वहाँ भी अच्छा था माशाल्लाह। तो यहाँ पे हम लोग तो बर्गर्स और वो ट्राई करेंगे। चलिए ये भी आपको पूरा मेन्यू हमने आपको दिखा दिया है, एक मेन्यू और है इनका, ये भी दिखा देते हैं आपको। ये इनका जो इंडियन जो खाना है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए जो इंडियन हमारा खाना है, वेज एंड नॉन वेज दोनों माशाल्लाह। वेज और नॉन वेज की बात करेंगे तो हलाल है माशाल्लाह, और ये हमारा जहाँ से माल आता है शदाब कबाब का, वहाँ से जनता वालों के यहाँ से आता है, तो एवरीथिंग इज़ हलाल, आप आराम से यहाँ आके खाना खाएँ और मज़े करें। तो चलिए पूरा मेन्यू आपको हमने दिखा दिया है, देखिए इनकी लोकेशन हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से इनको नेविगेट कर सकें, नंबर भी दे देंगे ताकि फिर भी नहीं मिले तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकें। थुक्का तो हम लोग ऐसे आप सबको पता ही कि हम लोग जब कहीं जाते हैं तो सूप हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं, यहाँ पे हमको काफ़ी सारे सूप्स हमने देखे और एक डिफरेंट टाइप का सूप थुपका मैम ने बताया हमको, जो कि इसमें नूडल्स भी आएगी और इनके एक स्पेशल जो चटनी है लोग उस पर सर्व करते हैं, तो वो हम लोग ट्राई करेंगे। नहीं राफी साहब, हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है नहीं, पर यार अपने को ज़्यादा लोग आना चाहिए था, देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर होगा तो थुपका ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बर्गर्स ट्राई करेंगे, पिज़्ज़ा ट्राई करेंगे और एक चिकन कैंटी की ट्राई करेंगे। थुक्का ना, थुक्का काफी ज़्यादा नूडल्स से ओपन की स्पेशल चटनी है, और देखिए ये डिफरेंट काइंड का सूप है माशाल्लाह। वैसे ये लोग 1/2 करते हैं, लेकिन हम लोग तो दो जाने तो क्या करेंगे, उसको तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को, पहले हम लोग इसको आधा करेंगे उसके बाद फिर ट्राई करेंगे।
देखिए रात को बस लेना, स्पेशल चटनी इसके ऊपर की हुई है, ये भी हमको आधी आधी करनी पड़ेगी। नीचे इनका पूरा सूप है, देखिए नूडल्स है, चिकन है इसमें, और ये जो सूप का जो कलर है वो एकदम टोटली डिफरेंट है। हम लोग तो यूजुअली मंचो और हॉट एंड स्टार और ये सूप ट्राई करते हैं, लेकिन ये हमारा फर्स्ट टाइम रहेगा। हमने बॉम्बे में ट्राई किया था मटन पाया सूप, काफ़ी ज़बरदस्त था। देखते हैं ये कैसा रहा, पहले मैं इसको हाफ ऑफ करता हूँ चटनी। हम मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आधा चीज़ें राफी को दे सकें हम लोग, और उसके बाद फिर हम लोग ट्राई करेंगे। अब हम लोग ये सूप ट्राई करेंगे। चलो देखिए चटनी मैंने इसे मिक्स कर दी पूरी, नूडल्स भी है इसमें, चिकन भी है, और इसमें जबरदस्त होने वाला है। आपको हमने पहले ही बताया था सूप के जो चम्मच होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि जब सूप पीने की स्टाइल होती है हमेशा अपने चम्मच को ऐसे रखें, वो डिप करें, और इसीलिए सूप के चम्मच अलग होते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह, ये डिफरेंट काइंड का सूप है, थोड़ा स्पाइसी भी है। और सबसे बड़ी बात, ये डिफरेंट काइंड का सूप आपको अगर खाना है तो आपको ये यहीं पर आना पड़ेगा मोज़ेक किचन में, पूरा ख़त्म करते हैं उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। नूडल्स भी है इसमें, चिकन भी है, ऑल टुगेदर जो इन्होंने जो मसाले यूज़ किए हैं वो ज़बरदस्त है माशाल्लाह। स्पाइसी मतलब ऐसा स्पाइसी है जिसको आप आराम से खा सकते हैं, मतलब आपके टंग को लग नहीं रहा है लेकिन मज़ा आ रहा है। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं उसके बाद फिर आप आगे बात करेंगे। राफे का भी सूप तैयार, देखिए राफे भी ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर हमारा पिज़्ज़ाज है, बर्गर्स है, वो भी ट्राई करेंगे। सूप तो हम लोगों ने ट्राई कर लिया, अभी क्या लेके आए आप? केंटकी चिकन लेके आए हैं, आ जाए इसको रखे। केंटकी चिकन आ चुकी है हमारी, जो कि एक चेस्ट पीस, होल इनका चेस्ट पीस है। ये भी काफ़ी ज़बरदस्त प्रिपरेशन हमको दिख रही है, इसकी रंगत बता रही है खाना काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। क्या राफे साहब कैसा रहेगा? काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। पहले फ़ोटो खींच लें इसको, हम लोग आधा आधा कर देते, राफे हमारे साथ में है तो ये हम लोगों ने आधा आधा कर दिया इसको लेके, और राफे साहब के साथ में हम लोग खाएंगे इसको। ये देखिए ये हमने आधा आधा कर दिया है, उसमें देखिए आप ये काफ़ी, सबसे बड़ी बात काफ़ी सॉफ्ट भी लग रहा है मुझे, देखिए ये देखिए। चले ये पीस हम लेते हैं, और एक चीज़ एक पीस राफे साहब खाएंगे। ज़बरदस्त है इसकी ग्रेवी और जो चीज़ की खुशबू आ रही है। हाँ खुशबू आवत है ज़बरदस्त यार, सबसे बड़ी बात काफ़ी बड़ा पोर्शन है ये, और मतलब अगर आप यहाँ पे आते तो वैसे हमें पता चला कि काफ़ी सारे ये ह्यूज, काफ़ी ह्यूज डिशेज ये लोग सर्व करते हैं। कैटर्स भी इनके काफ़ी बड़े बड़े, लेकिन हम लोग खाने वाले नहीं है। बर्गर्स भी यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े सर्व करते हैं, वो भी बर्गर्स भी आएगा उसके बाद में, पिज़्ज़ा भी आने वाले हैं। फिलहाल हम लोग ये ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। क्रिस्पी है और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है, और ऊपर जो उन्होंने जो ग्रेवी बनाई वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह, खाने का काफ़ी मज़ा आ रहा है। और साथ में इन्होंने हमको चिप्स भी दी इसके साथ में। ये सब चीज़ें आपको सिर्फ मोज़ेक किचन पे मिलेगी। अगर ये आपको डिफरेंट टाइप का खाना खाना है तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए, हम लोग काफ़ी मज़ा करें। ये चीज़ हो गई है। अब राफे का हमने नहीं लिया यार रिव्यू, राफे का भी रिव्यू लेते हैं। चलिए पहले मैं खत्म करूँ उसके बाद बात। मशरूम्स भी है इसमें, बेबी कॉर्न भी है, अभी ट्राई करते हैं। मशरूम समय काफ़ी पसंद भी यार, मज़ा आ गया यार, तो सब लोग लेके आना पड़ेगा। सही में मज़ा आएगा उनको भी। राफे साहब ने उसका सूप रेवी नहीं किया था ना, चलो ये ट्राई करते हैं। पूरा ले ले यार, अपन तो खाने वाले लोग हैं यार। देखिए ज़बरदस्त इसका जो कलर देखें आप, कलर से पता चल रहा है कितना ज़बरदस्त बना हुआ है, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। जो क्रिस्पी नेस जो फ्राइड चिकन है और उसके ऊपर जो ग्रेवी है काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, टेस्ट करते हैं इसमें। बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह, जो जूसी चिकन और उसके ऊपर जो ग्रेवी है। सबसे बड़ी बात ये लेग पीस में नहीं, सॉरी ये अगर ये चेस्ट पीस की बात करें, ये चेस्ट पीस जो होता है वो काफ़ी चुई हो जाता है, लेकिन ये चुई नहीं इतना, बिल्कुल भी नहीं, नहीं? हाँ एकदम परफेक्टली कुक्ड है, साथ ही साथ जो उसकी ग्रेवी है एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये देखिए चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या आता है, हमारा पिज़्ज़ा आएगा या बर्गर आएगा, देखते हैं क्या आता है। चलो हम लोग सब खा लें। तो बस हम लोगों का सूप हो गया, हम लोगों का चिकन हो गया, अब बारी है हमारे पिज़्ज़ा की जो कि हमने ऑर्डर किया था। देखिए काफ़ी ह्यूज पिज़्ज़ा है ये, 12 इंचेस का पिज़्ज़ा है, और इसको खुशबू आवत है यार, नहीं इसकी खुशबू आ रही है यार माशाल्लाह। ये देखिए थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा है ये, देखिए नीचे से परफेक्टली कुक एकदम, इसको मैं ट्राई करता हूँ। रख देते हैं,
इसके बाद चीज़ है, इन्होंने बड़े बड़े चिकन के पीसेस भी हैं और काफ़ी ज़बरदस्त इनकी जो टॉपिंग है वो दिख रही, कलर काफ़ी ज़बरदस्त है, इसको ट्राई करते हैं। मज़ा आ गया माशाल्लाह यार, जो चीज़ उन्होंने यूज़ की वो सुपर क्वालिटी की, मतलब चीज़ मुझे काफ़ी पसंद भी हमें, और चीज़ ज़बरदस्त उन्होंने यूज़ की हुई, चिकन भी काफ़ी फ्रेश है और स्पाइसी भी है, और जो इन्होंने जो पूरे जो इंग्रीडियंट जो यूज़ किए इसका जो प्रपोर्शन वो एकदम बराबर है, मतलब कोई भी ज़्यादा या कम नहीं, एकदम परफेक्टली इन्होंने प्रपोर्शन में सारी इन्ग्रीडियंट्स डाले हैं जिससे इसका जायका और बढ़ गया है। पिज़्ज़ा का रिव्यू हमने कर दिया, अब जो बर्गर आएगा उसका रिव्यू डॉक्टर साहब करेंगे, चलिए पूरा ख़त्म करते हैं उसके बाद। हाँ तो सर आप क्या कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अभी तक का? बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे कि आप हमारा फेस देख सकते हैं कि जो जब खाने का मज़ा आ रहा होता है ना आपको पसीना लग गया था भी तो हमने ये फिर स्टार्ट करवाया ना। अब अपना लास्ट क्या बाकी रहा? अब अपना बर्गर बाकी, बर्गर बाकी ना। अपन लोगों ने फिलहाल तो पिज़्ज़ा खा लिया, एक चिकन खा लिया और अपने सूप लिया था ना, थुपका सूप ना, हाँ थुपका सूप। चलो चलिए देखिए ये हम लोग खत्म करें, सारी चीजें थी वो सब जबरदस्त जबरदस्त है, एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, एक भी ऐसी नहीं है ना जो आपको कहीं मिलेगी। ये चीज तो आपको ये चिकन कैंटी की तो कहीं नहीं मिलने वाली, जो हमने खत्म कर दिया था पूरा अच्छी तरह, बिल्कुल अमेजिंग था ये। चलिए आगे चल के लास्ट बर्गर है ना, ये हमारा बर्गर आ चुका है चिकन सुप्रीम, देखिए आप। अरे यार काफी बड़ा रफ है, नीचे रखो पैसा यार, काफ़ी ह्यूज बर्गर है यार, खाएंगे कैसे इसको? नहीं लास्ट टाइम अपने जो बॉम्बे में खाया था ना वो भी काफ़ी बड़ा था ना, तो खाने में प्रॉब्लम होती है लेकिन इसको बर्गर खाने का मज़ा ही ऐसे ही ना, हाथों से आराम से नहीं। ये देखिए आप ज़बरदस्त ने जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, और ये इतना बड़ा बर्गर मैंने जोधपुर में कहीं नहीं खाया है, खाया रहा कभी नहीं ना, ये पूरा रात को ख़त्म करना है बिकॉज मैं ऑर्डर खाया नहीं। तो चलिए राफे साहब ट्राई करो, हाफिज साहब तैयार? बिल्कुल। ये देखिए आप आधा जो सेक्शन है वो राफे का है और आधा हम लोग खाएंगे, नहीं हाँ। या पूरा खाना है राफे को? नहीं नहीं बस आधा ही खाऊंगा। चिकन की पैटीज इतनी बड़ी देखिए, कितनी थिक है देखिए, काफ़ी ज़बरदस्त। ये देखिए चलो राफे साहब ट्राई करो, पूरा एक साथ क्या बात है, सारी चीज़ आ गई ना एक बाइट में, हाँ ये प्रॉपरली क्या बात है, हाँ परफेक्ट, काफ़ी ज़बरदस्त है, ब्रेड्स भी काफ़ी सॉफ्ट है, नहीं एकदम फ्रेश मसाला काफ़ी सॉफ्ट है ब्रेड, और जो चिकन जो पैटी है बहुत ही ज़बरदस्त है, एकदम फ्रेश जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा लगा, हल्का स्पाइसी है और चटपटा है, हमारे लिए परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए राफे साहब ने बर्गर का रिव्यू दे दिया, हम लोग उसको खाएंगे, हम लोगों ने सारी चीज़ें ट्राई कर लिया, पूरा ख़त्म करते हैं उसके बाद में एंड में जाके हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं और पूरा रिव्यू बताएंगे, इनकी लोकेशन हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से इनको नेविगेट कर सके। चलिए हम लोग पूरा ख़त्म करते हैं उसके, तो बस हम लोगों ने हमारा जो खाना था वो ख़त्म कर लिया, हम लोगों ने एक तो सूप लिया था, एक हमने चिकन कैंटकी चिकन लिया था, एक जेस्टी पिज़्ज़ा लिया था और एक चिकन सुप्रीम बर्गर, जो काफ़ी ज़बरदस्त था। टोटल हमारा जो अमाउंट हुआ है वो टोटल हुआ था 1438, 10% हमको डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट करने के बाद 1359 का हमारा पेमेंट हुआ है, हम लोगों ने पेमेंट कर दिया। लेकिन आप यकीन माने अगर आप 5-6 लोग यहाँ पर आएंगे तो हमने जो मंगाया था आप आराम से, मतलब एक दो आदमी और हम लोग एडजस्ट कर सकते थे इसमें, अगर नया और दो तीन तो आराम से, मतलब एकदम प्राइसेस भी काफ़ी रीजनेबल है, और सबसे बड़ी बात जो पोर्शन ही सर्व करें वो काफ़ी ह्यूज है। तो बस इनकी लोकेशन हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से नेविगेट कर सकें। चलिए यहाँ पे हम लोग हमारा वीडियो खत्म करते हैं, इंशाल्लाह जिंदगी में तो फिर मुलाकात होगी, शादाब टॉक्स को देखते रहे और हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़।